इंडिया एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया को बहुत सारे कमाल के आविष्कार दिए हैं और बहुत सारी कमाल की चीजें इंडिया ने ही इन्वेंट की हैं, जिनके चलते आज के दिन दोस्तों ये पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा एडवांस और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। हालांकि इन सभी इन्वेंशंस का श्रेय आज के दिन इंडिया को बिल्कुल नहीं दिया जाता और कुछ इन्वेंशंस का श्रेय तो दूसरे अमेरिकन लोगों को भी दिया जाता है, लेकिन दोस्तों असलियत यही है कि बहुत सारे इन्वेंशंस जो आज के दिन इतने ज्यादा फेमस हैं, उनका आविष्कार इंडियंस ने ही किया था। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इंडिया के 12 ऐसे बहुत ही जबरदस्त और कमाल के इन्वेंशंस के बारे में बताने वाला हूँ जो आज के दिन हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल को बहुत ही ज्यादा कमाल का बना देते हैं। तो चलो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो है इंडिया की, वीडियो है हमारे अपने देश की। तो वीडियो में यार पूरा मजा तो आने ही वाला है, तो अपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक अभी से तैयार रखो। दोस्तों नंबर 12 नाम आता है जीरो यानी शून्य का। जीरो इस वर्ड के बिना तो यार मैथ का कोई मतलब ही नहीं बनता और जीरो की खोज हमारे इंडिया देश में ही हुई थी। जीरो की हमारी जिंदगी और मैथमेटिक्स में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसके बारे में तो यार मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस जीरो के चलते ही कई लोगों का तो एग्जाम रिजल्ट बहुत ही ज्यादा टॉप क्लास बन जाता है और कई लोगों का रिजल्ट इस जीरो के चलते ही सही में पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। दोस्तों शुरुआती समय में तो मैथ्स में बहुत सारे नंबर्स थे, लेकिन नथिंग यानी कुछ नहीं को दर्शाने के लिए 500 ईसा पूर्व में इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, जिसका कि आज के दिन एक बेहद ही ज्यादा मेन रोल है। दोस्तों आप तो समझते होंगे कि अगर जीरो नहीं होता तो बाइनरी सिस्टम भी नहीं होता, और अगर बाइनरी सिस्टम ना बनता तो भला हमारे कंप्यूटर कैसे चलते, और फिर तो इंटरनेट भी मौजूद नहीं होता और हमारी जिंदगी आज के समय भी बिल्कुल भी एडवांस नहीं बन पाती। तो हमारी जिंदगी यार जो इतनी एडवांस बन पाई है इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्रेय तो मेरे हिसाब से इंडिया को जाता ही है। नंबर 11 दोस्तों नाम आता है स्केल्स का। इन स्केल्स का इस्तेमाल यार आपने एग्जाम में ना कई बार लाइन मारने के लिए किया ही होगा, मैंने तो यार बहुत बार किया। इंडिया में स्केल्स का इस्तेमाल 1500 ईसा पूर्व पहले से ही किया जा रहा है और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज पूरी दुनिया को इंडिया की वजह से ही मिल पाई है। दरअसल दोस्तों इतना ज्यादा समय पहले स्केल्स का यूज काफी ज्यादा बढ़िया वे से किया जाता था और उस समय इनका यूज इमारतों को बनाने वाले कारीगरों के द्वारा किया जाता था, जिसके चलते कि इमारतों को पूरी तरह से नापा जाता था और उसी के हिसाब से नापने के बाद इमारत तैयार हो पाती थी। नंबर 10 दोस्तों नाम आता है चेस का। चेस जो कि आज के दिन पूरी दुनिया का बहुत ही ज्यादा फेमस खेल है और इसकी तो आज के दिन वर्ल्ड में बहुत तगड़ी चैंपियनशिप भी होती है। ये बेहद इंटरेस्टिंग गेम सबसे पहले इंडिया में ही शुरू हुई थी और इसका नाम शुरू में था चतरंगा, और शुरू के दिनों में चतरंगा नाम से इंडिया के लोग चेस को खेला करते थे। दोस्तों चतरंगा खेल 6वीं शताब्दी में गुप्त एम्पायर के दौर में इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। नंबर 9 दोस्तों नाम आता है प्लास्टिक सर्जरी का। प्लास्टिक सर्जरी का ट्रेंड तो यार आजकल के समय में बॉलीवुड की हीरोइंस में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी में आज के दिन नंबर 1 जो देश माना जाता है वो है साउथ कोरिया। प्लास्टिक सर्जरी करवाना आज के दिन यार काफी ज्यादा आम सी बात बन चुकी है, लेकिन ये इतनी कमाल की आविष्कार इंडिया ने ही पूरी दुनिया को दी है। 600 ईसा पूर्व में भारतीय वैद्य श्रुता ने मेडिसिन एंड सर्जरी पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी और इसे सबसे ज्यादा पुरानी मेडिकल बुक्स में से एक माना जाता है, और कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि ये पूरी दुनिया की सबसे पहली मेडिकल की किताब थी। श्रुता को तो इंडिया में फादर ऑफ द सर्जरी का नाम भी दिया गया है। दोस्तों उन्होंने अपनी इस बुक में नोज रिकंस्ट्रक्शन और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्किन के ट्रांसप्लांट के बारे में बताया है, और आज के दिन प्लास्टिक सर्जरी के ओरिजिनल मेथड में स्किन का थोड़ा सा पार्ट निकाल के नाक को फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी उस समय भी इंडिया ने यह कमाल का आविष्कार निकाल भी दिया था और दुनिया तो आज इस आविष्कार को यूज करती है, और इंडिया तो कितना समय पहले ही निकाल चुका था। दोस्तों नंबर 8 नाम आता है वायरलेस कम्युनिकेट का।
सर जगदीश चंद्र बोस ने अपने रेडियो कम्युनिकेशन की खोज 1895 के साल में पूरी दुनिया के सामने रखी। इस खोज में उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 75 फीट की दूरी पर भेजा, जिसने एक वॉल यानी एक दीवार को पार करके बेल बजाई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेहद ही खराब बात ये हुई इंडिया के लिए कि इटालियन इन्वेंटर गुग्लियमोन मार्कोनी ने जगदीश चंद्र जी के इस इन्वेंशन को अपने हिसाब से यूज करके रेडियो को बना डाला, जिसके चलते उन्होंने नोबल प्राइज भी जीत लिया। दरअसल उस समय जगदीश चंद्र ने अपने इन्वेंशन का पेटेंट बिल्कुल भी नहीं करवाया था, और सिर्फ पेटेंट ना करवाने के चलते ही जगदीश चंद्र बोस का नाम आज के दिन दुनिया में बिल्कुल फेमस नहीं माना जाता। लेकिन दोस्तों उनका नाम बहुत फेमस हो सकता था अगर वो अपने आविष्कार का पेटेंट करवा लेते। हालांकि आज के दिन भी दुनिया के सामने सच्चाई तो आ ही रही है। नंबर 7 दोस्तों नाम आता है USB का, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका यूज यार आपने जिंदगी में ना हजार बार तो कर ही लिया होगा। आज के दिन इसका यूज करना तो हमारे लिए बेहद ही आम बात है, और इस आविष्कार के बिना रहना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस कमाल की चीज का आविष्कार भी एक इंडियन इंसान अजय भट्ट ने किया था, जो इंटेल के लिए काम करते हैं, और उनका ये इन्वेंशन सही में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के दिन तो पूरी दुनिया में उतने इंसान भी मौजूद नहीं हैं जितने कि USB मौजूद हैं, और आज के दिन पूरी दुनिया में USB की गिनती 15 अरब के भी पार पहुंचती है। नंबर 6 दोस्तों नाम आता है फ्लश टॉयलेट्स का। टॉयलेट को फ्लश करना यार कितना ज्यादा जरूरी है हम सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया ने टॉयलेट को फ्लश करना तो पिछले 200 से 300 सालों में ही सीखा है, लेकिन इंडिया ने तो यार पता नहीं ये काम कितने साल पहले ही सीख लिया था। ये टॉयलेट्स इंडिया में 5000 साल पहले से यूज होते आ रहे हैं। हालांकि उस समय के इंडियन टॉयलेट्स आज की तरह बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं थे, और इनका डिजाइन और यूज करने का तरीका आज के दिन तो हमें काफी ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन एक बात है कि आज के दिन के इतने एडवांस टॉयलेट्स को बनाने का आइडिया इंडिया के ओल्ड टॉयलेट्स को देखकर ही दुनिया को आया है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि टॉयलेट्स का आविष्कार भी इंडिया ने ही किया है। नंबर 5 दोस्तों नाम आता है शैम्पू का। इंडिया में तो यार शैम्पू का यूज करना बेहद ही जरूरी है, खास तौर पर यार यहाँ के वेदर के चलते। दोस्तों पूरी दुनिया अगर आज के दिन शैम्पू का यूज कर पा रही है तो वो भी हमारे इंडिया देश के चलते, और पूरी दुनिया को तो यार सही में इंडिया को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया को शैम्पू दिया है हमारे भारत देश ने। दोस्तों ये शब्द हिंदी वर्ड चंपू से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मसाज करना। दरअसल आज से बहुत साल पहले ही इंडिया में शैम्पू का आविष्कार हो गया था। साल 1760 में इसका आविष्कार हुआ, और उस समय इसे पूरी तरह से नेचुरल तरीके से ही फुल्ली नेचुरल वे से बनाया जाता था। हालांकि उस समय इसका यूज हेड मसाज के लिए किया जाता था। ब्रिटिशर्स को ये इंडिया की चीज बेहद ही पसंद आई, और ब्रिटिशर्स को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया, इसी वजह से वो चंपू को अपने साथ ले गए, क्योंकि उस समय तो इसे चंपू कहा जाता था। लेकिन बाद में अगले 50 सालों के बाद ही ये चीज पूरी दुनिया में शैम्पू के नाम से जानी जाने लगी, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका नाम बदल कर शैम्पू कर दिया था। और एक और आविष्कार जो इंडिया ने किया था वो पूरी दुनिया के पास पहुंच चुका था, और पूरी दुनिया आज भी इसका यूज हर रोज करती है बहुत ही बारी बरकम तरीके से। दोस्तों नंबर 4 नाम आता है बटन का। ये कमाल का बटन, सही में दोस्तों ये चीज बहुत ही ज्यादा बेमिसाल है। चाहे आपके पास कितनी महंगी लग्जरी शर्ट क्यों ना हो, और बहुत ही रिच लोगो वाली पैंट भी क्यों ना हो, लेकिन बटन के बिना ये कपड़े दोस्तों आपके किसी भी काम के नहीं। और अगर आपके पास बटन ही ना हो तो सोचिए इतने महंगे कपड़ों का भला क्या फायदा। और ये दुनिया के बड़े बड़े जो आज के दिन ब्रांड है ना, ये बटन के बिना तो यार बिल्कुल जीरो होते। दोस्तों इस बटन की खोज भी इंडिया देश में ही हुई थी। आज से 5000 साल पहले ही इनका यूज इंडिया में हुआ करता था, और इनके बीच में उस समय भी दो होल्स होते थे। नंबर 3 दोस्तों नाम आता है नेचुरल फाइबर का। कॉटन का इस्तेमाल भी सबसे पहले हमारे इंडिया देश में ही हुआ था, और आज के दिन पूरी दुनिया नेचुरल फाइबर को इंडिया के चलते ही जानती है। इंडिया देश में 4th एंड 5th BC में ही
कपास की खेती शुरू कर दी गई थी और इन कपास के दागों का यूज उस समय कपड़ा बनाने के लिए होने लगा था। और दोस्तों इंडिया देश के चलते ही पूरी दुनिया ने कपड़ा पहनना सीखा, क्योंकि उससे पहले तो लोग जंगली जानवरों की तरह ही रहते थे, वो भी बिना कपड़ों के। और इंडिया ही दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने पूरी दुनिया को कपड़े पहनाए और उनका रवैया थोड़ा चेंज किया। नंबर दो दोस्तों नाम आता है वाटर ऑन मून। चांद पर वैसे तो सबसे पहले नासा ही पहुंचा था, लेकिन दोस्तों जो काम इसरो ने कर दिखाया वो तो कभी भी नासा नहीं कर सका। और इसरो, आपको पता ही होगा कि ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन के जरिए चांद पर पानी ढूंढा और दुनिया का ऐसा पहला देश इंडिया बना जिसने चांद पर पानी की खोज की। और दोस्तों ये मिशन पूरा हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, जिसके बाद दोस्तों पूरी दुनिया में इंडिया का नाम बहुत ही ज्यादा शान में हो गया था। नंबर एक दोस्तों नाम आता है डायमंड यानी हीरे का। हीरे की शुरुआत भी पूरी दुनिया में इंडिया ने ही की थी और 18वीं सदी तक तो एक ऐसा भी समय था जब हीरा यानी डायमंड सिर्फ इंडिया देश में ही मिला करता था, जिसके चलते बड़े बड़े देश इंडिया के मुकाबले बहुत ही गरीब हुआ करते थे, क्योंकि वहां पर कभी भी हीरा नहीं मिलता था तो इंडिया में हीरे बहुत सारे मौजूद थे। और यही वजह है शायद कि इंडिया का कोहिनूर हीरा भी आज के दिन इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि इंग्लैंड ने इंडिया का वो खास हीरा लूट लिया, लेकिन पूरी दुनिया को हीरे जैसी कीमती चीज भी इंडिया देश ने ही पहली बार दिखाई थी। और हीरे जैसी कमाल चीज के बारे में तो दुनिया जानती ही नहीं थी, लेकिन हमारा इंडिया कितना ज्यादा पहले से ही इस कीमती चीज को जानता था। तो दोस्तों आपका अपने देश के बारे में क्या कहना है, आपको क्या लगता है? इंडिया में वैसे तो और भी ज्यादा बहुत आविष्कार हुए हैं, आपको अगर किसी और के बारे में भी पता है तो यार नीचे कमेंट में बता सकते हो। और ऐसी इंटरेस्टिंग और कमाल वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।